दोस्तों, अगर आपका भी RRCIT का एग्ज़ाम जनवरी मंथ और फरवरी मंथ 2021 में होने वाला है तो आपको इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हम आज आपके लिए लेके आए हैं RRCIT की बुक में से मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड 70 क्वेश्चंस का ये वीडियो। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आपके फाइनली एग्जाम तक काफ़ी हेल्प भी करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं उमन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर फाइनली RRCIT एग्जाम तक इसी तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लगातार अपलोड करते रहेंगे, तो जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मोबाइल पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर देना, और वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन वाइज। तो पहला क्वेश्चन जो है वह यही है, भी वर्गीकरण के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो 3 है। सेकंड क्वेश्चन है भी, डेटा भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। तो सही आंसर है सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 3, पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था और उसका नाम क्या था। तो सही ऑप्शन इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि 1964 में ये सुपर कंप्यूटर बनाया गया था और उस सुपर कंप्यूटर का नाम CDC 6600 था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो सही आंसर रहेगा इसका प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाए भी निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो भी इसका आंसर है जो प्रिंटर रहेगा, क्योंकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है और स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि इनपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क है, हार्ड डिस्क, DVD रैम, रैम या प्रोसेसर। तो सही आंसर इसका CDR, DVD, तो दोनों में से एक CDR भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो सही आंसर विंडोज 7, क्योंकि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाए भी निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो भी इसका आंसर है जो विंडोज 7 रहेगा, क्योंकि MS Excel, टेली, फोटोशॉप, ये अदर जितने भी होते हैं जो हम जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करते हैं, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 8, रा फैक्ट जैसे लेटर वर्ड ध्वनि को कहा जाता है, डाटा। कौन सी मेमोरी प्राकृतिक रूप से अस्थिर होती है, रैम। क्वेश्चन नंबर 10, DPI की फुल फॉर्म क्या है, तो डॉट पर इंच। तो इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है भी DPI का पूरा नाम क्या है, तो भी ये डॉट पर इंच रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो कौन सी धातु से बना होता है, सिलिकॉन के धातु से। DVD का पूरा नाम क्या है, तो सही नाम है इसका, सही आंसर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 12, वाईफाई का पूरा नाम क्या है, तो सही आंसर है वायरलेस फिडेलिटी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी टॉगल कीज है, निम्न में से कौन सी टॉगल कीज है, तो सही आंसर कैप्स लॉक कीज। तो दोस्तों, टॉगल कीज है वो 3 प्रकार की होती है, कैप्स लॉक कीज, नम लॉक कीज और स्क्रॉल लॉक कीज। अगर कैप्स लॉक की जगह नम लॉक कीज पूछा जाए तो नम लॉक भी टॉगल कीज है, अगर स्क्रॉल लॉक कीज आ जाए तो भी टॉगल कीज है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी, तो अगस्त 2014 में। क्वेश्चन नंबर 15, POS का पूरा नाम क्या है, तो सही आंसर पॉइंट ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 16, सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो फेसबुक भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है, तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। OMR का पूरा नाम क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का
फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 18, राज ई वर्ल्ड को कहा जाता है डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 19, एमएस वर्ड में कौन सी कुंजी से कर्सर के बाएं ओर अक्षर मिटाए जा सकते हैं? तो सही आंसर रहेगा बैकस्पेस। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है भी बाएं ओर का मतलब क्या होता है, अब जैसा आप देख सकते हो भी हमारा कर्सर है जो बाएं और ओर के बीच में चल रहे हैं, अगर हमें इस बाएं शब्द को अगर हटाना हो तो हम जो बैक स्पेस की जो होती है इंटर के ऊपर वो हम प्रेस करेंगे तो ये बाएं के कर्सर से कुंजी ये है जो हटते जाएंगे। और इसी का अपोजिट जो क्वेश्चन है अभी एमएस वर्ड में कौन सी कुंजी से कर्सर से दाएं ओर की अक्षर को मिटाए जा सकते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हो क्वेश्चन बिल्कुल मिलते जुलते से, जो फर्क आ रहा है वो केवल बाएं और दाएं का है। भी जो क्वेश्चन 19 नंबर था, एमएस वर्ड में कौन सी कुंजी से कर्सर के बाएं ओर के अक्षर को मिटाया जा सकता है, तो बाएं ओर से अगर मिटाना हो तो बैक स्पेस कुंजी से, और एमएस वर्ड में कौन सी कुंजी से कर्सर के दाएं ओर के अक्षर को मिटाए जा सकते हैं, तो वो होता है डिलीट कीज कुंजी से। क्वेश्चन नंबर 21, HDMI का पूरा नाम क्या है? तो सही आंसर हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा एक ई गवर्नेंस एप्लीकेशन का प्रकार नहीं है? तो बिल्कुल सही ऑप्शन इसका डी ऑप्शन सही है, G2E, यानी कि G2E एक गवर्नेंस एप्लीकेशन का प्रकार नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोर क्या है? तो वेब ब्राउजर है, क्योंकि जैसे कि गूगल क्रोम होता है वैसी तरीके से इंटरनेट एक्सप्लोर भी होता है, मोजिला फायरफॉक्स भी हो सकता है, इसकी जगह ये भी आ सकता है भी मोजिला फॉर फायरफॉक्स क्या है, तो वो भी एक तरीके का वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम क्या है ये पूछा जा सकता है, तो उसका भी वेब ब्राउजर ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, विपोर्टेंट और लैंडस्केप क्या है? तो इसे हम बोलेंगे स्लाइड ओरिएंटेशन। तो इसका मतलब क्या होता है, पोर्टेंट और लैंडस्केप का मतलब भी जब हम कोई भी पेज हम प्रिंटआउट निकालते हैं तो प्रिंटआउट के दो फॉर्मेट होते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं एक तो होता है इस तरीके से बिल्कुल, और एक इस तरीके से लॉन्ग में होता है भी, एक में तो अक्सर इस टाइप से लिखे होते हैं तो ये तो रहेगा पोर्टेंट में, और एक इसी तरीके को अगर आपकी लाइन लंबी है तो हम इस तरीके से पढ़ते हैं इन्हीं अक्षरों को पेज को घुमा के, जिसका हम बोल सकते हैं, तो ये जो ऑप्शन होता है इस तरीके से पढ़ने वाला उससे हम बोलते हैं लैंडस्केप, और ये जो इस टाइप का जो ऑप्शन होता है इससे हम बोलते हैं पोर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है? तो सही आंसर है इसका स्पाईवेयर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? तो ट्विटर। माइक्रो ब्लॉगिंग मतलब छोटे ब्लॉग लिखने के लिए ट्विटर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस एप्लीकेशन का प्रकार नहीं है? तो C2C यानी कि कस्टमर टू कस्टमर में किसी भी टाइप की गवर्नमेंट या ई गवर्नमेंट से एप्लीकेशन से संबंध नहीं रखता। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, B2C का मतलब बिजनेस टू कस्टमर, C2C का मतलब कस्टमर टू कस्टमर, और B2G का मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट। G2C ई गवर्नेंस का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर लीज ऑफ रेजिडेंशियल लैंड। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान के एक ई गवर्नेंस पहल का उदाहरण नहीं है? तो इसी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं, उदाहरण है या नहीं है, इसी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं, तो इसका सही आंसर है राज वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन से दो CPU की मुख्य कंपोनेंट होते हैं? तो आप देख सकते हो सभी के अंदर बिल्कुल मिलते जुलते नाम है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो रहेगा कंट्रोल यूनिट्स एंड ALU यानी कि अर्थ लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किसके माध्यम से संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम में संचार होता है? तो सही आंसर मदरबोर्ड, जो कि एक अंदर हमारे सप्लाई जो किट से जो लगी होती है मदरबोर्ड, उसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में संचार होता है। एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है, जबकि एक निबल के बराबर होता है, यानी कि कितने बिट के बराबर होता है एक निबल, जो कि 4 बिट के होता है, जो अगर हम इसकी बात करें साइज की तो सबसे जो छोटी इकाई होती है वो निबल ही है।
क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर में वर्णमाला संख्यात्मक विराम चिन्ह को इलेक्ट्रॉनिक डाटा में प्रदर्शित करने के लिए सबसे अधिक किस कोड का उपयोग किया जाता है? तो जो सही आंसर है वो SL। क्वेश्चन नंबर 34, डेटा को स्टोर करने के लिए मुख्यतः कौन से फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है बाइनरी कोड का। क्वेश्चन नंबर 35, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? तो ये सही आंसर अनेक पेजों का समूह, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW। आपने देखा कभी अगर हम वेबसाइट जो लगाते हैं तो उसके पहले WWW जो लिखा होता है, तो ये WWW की फुल फॉर्म यही होती है, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 36, .com, .in, .gov, .org को किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर इसका सब डोमेन नेम के नाम से, यानी कि .com एक कॉमर्शियल वेबसाइट को प्रेजेंट करता है, .gov एक गवर्नमेंट की वेबसाइट को प्रेजेंट करता है, .org एक ऑर्गेनाइजेशन को करता है, .edu जो होता है वो एक एजुकेशन से रिलेटेड जो वेबसाइट होती है उसके लिए यूज किया जाता है। तो इन सब को हम डोमेन, सब डोमेन नेम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, TCP और IP का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, ईमेल करने के लिए, या रिमोट को लॉगिन करने के लिए? तो इसके लिए IP एड्रेस का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, किस सर्च इंजन का विकास माइक्रोसॉफ्ट ने किया है? तो बिंग का जो सर्च इंजन है उसका जो विकास है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया था। 39, किस प्रोटोकॉल का उपयोग करके ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो सही आंसर POP3 या SMTP। तो क्वेश्चन नंबर 40, ईमेल के साथ बाहरी फाइलें, वीडियो, फोटो, इमेज भेजने के लिए कौन से ऑप्शन का उपयोग करते हैं? तो सही आंसर अटैचमेंट का। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है? तो सही आंसर इसका विंडो 8.1। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो सही आंसर ओरकेल, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? तो जीमेल एक ईमेल के क्लाइंट के रूप में होता है, मोडेम नहीं होता, राउटर भी नहीं होता और डोमेन भी नहीं होता। URL की फुल फॉर्म क्या है? तो इस तरीके से पूछा, अभी URL का पूरा नाम क्या है? तो सही आंसर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 45, एक पेंटाबाइट यानी कि PB में कितने बाइट होते हैं? तो सही आंसर 1024 TB, यानी कि TB की फुल फॉर्म टेराबाइट, MB की फुल फॉर्म मेगाबाइट, GB की फुल फॉर्म गीगाबाइट, KB की फुल फॉर्म किलोबाइट। क्वेश्चन नंबर 46, कौन से चार्ट में डेटा पॉइंट्स लाइन में जुड़े होते हैं जिससे यह देखना आसान हो जाता है कि क्या वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है MS Excel 2010 में? तो इसका सही ऑप्शन होता है देखने के लिए लाइन चार्ट का उपयोग किया जाता है, जो हम देख सकते हैं कई बार हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं ग्राफ कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, इसी तरीके से लाइनों को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, वर्तमान में विंडोज 10 में पृष्ठभूमि में चल रहे कार्यक्रम के लिए कौन से बाद के प्रतीक है? तो सही आंसर इसका सिस्टम ट्रे। क्वेश्चन नंबर 48, एक डॉक्यूमेंट में एक बुक मार्क लगाने के बाद आप बुक मार्क को दूसरी जगह से टेक्स्ट में किस ऑप्शन से क्रिएट कर सकते हैं? तो सही आंसर है इसका क्रॉस रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 49, आप एमएस वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच के पृष्ठ का उपयोग करके स्विच कर सकते हैं? तो सही आंसर रहेगा इसका ओरिएंटेशन शॉर्टकट के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, IP एड्रेस का वैध उदाहरण है यानी कि इसका जो सही फॉर्मेट होता है IP एड्रेस का वो क्या होता है? तो जो सही फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से होता है। तो इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये रहेगा, आप देख सकते हो जो इसका आंसर ए है और जो डी है वो देखने में बिल्कुल आपको सेम लग रहे होंगे, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो यही है। आप देखो इसमें 192 डॉट लगा है, 105 के बाद डॉट लगा है, 130 के बाद डॉट लगा है, और यहाँ पर डॉट की बजाय ये माइनस का निशान सा लगा हुआ है।
तो ये माइनस का जो निशान लगा हुआ वो गलत होता है, जहाँ पे डॉट लगा होगा वो आईपी एड्रेस का सही फॉर्मेट होता है, यानी कि इसका सही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 51, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन का एक संग्रह होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइड्स। क्वेश्चन नंबर 52, एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की क्या है। तो इसमें भी ध्यान रखने वाली बात है, जो फॉर इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 53, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर आमतौर पर अपने आंतरिक संसाधनों के प्रबंध के लिए कंप्यूटर का समर्थन करता है। तो सही आंसर इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल 2010 में पार्ट स्ट्रिंग की लंबाई लौटाता है। तो इसका जो सही फॉर्मेट होता है वो सही फॉर्मूला LEN का होता है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो सही आंसर राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्वेश्चन नंबर 56, एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है तो राज ई साइन। अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाए भी एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा नहीं है तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह फिर राज ई साइन है जो हट जाएगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा वो राज ई साइन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं, ई मित्र के द्वारा या रोजगार विभाग की वेबसाइट पर जाके। तो जो सही आंसर है वो ई मित्र से भी कर सकते हैं और रोजगार विभाग की वेबसाइट पर जाके भी इसे हम रोजगार के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सभी को पता होता है ये एंड्रॉयड, क्योंकि मोबाइल में जो फंक्शन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एंड्रॉयड बेस होता है। क्वेश्चन नंबर 59, एमएस वर्ड किसी शब्द को सभी प्रश्नों पर दोहराने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो इसे हम बोलते हैं हेडर फुटर, यानी कि हम एक बार हेडर और फुटर लगा देते हैं, चाहे हेडर लगाओ चाहे फुटर लगाओ। जैसे मैंने इस आप देख सकते हो इस पेज पे लगा रखा है RCET एग्जाम दिसंबर 2020, तो आपको ये हर पेज पर नजर आएगा, तो ये इसे हम बोलते हैं हेडर। अगर यही ऑप्शन अगर आपको यहाँ पे बिल्कुल पेज के एंड में मिलता तो इसे हम बोलते हैं फुटर, यानी कि हम एक बार लिखते हैं तो आपको ये हर पेज पर ऑटोमेटिकली दिखेगा, आपको बारी बारी से ये टाइप करने की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 60, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन संयोजन से बनती है। तो सही आंसर वर्कशीट एंड चार्ट से। क्वेश्चन नंबर 61, वी लुकअप फंक्शन निम्न में से क्या कार्य करता है। या आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है, वी लुकअप जो फॉर्मूला है वो निम्न में से क्या कार्य करता है। तो जो सही आंसर है वे संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 62, पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण में डुप्लीकेट स्लाइड लेने की शॉर्टकट की क्या है। तो सही आंसर कंट्रोल प्लस डी, यानी कि डुप्लीकेट बनाने के लिए। कंप्यूटर में आंकड़े संग्रहित करने से संदर्भ में निम्न में से कौन से सबसे बड़ी इकाई है, तो गीगाबाइट यानी कि GB। क्वेश्चन नंबर 64, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो आपको पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर, ग्रॉस फैक्स या व्यावसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद करता है। तो सही आंसर इसका वर्ड प्रोसेसर, यानी कि जो टाइपिंग से संबंधित जो भी वर्किंग जो होती है हमारी वो वर्ड प्रोसेसर में होती है। स्प्रेडशीट है ये एक्सेल से रिलेटेड रखता है, वेब ब्राउजर इंटरनेट के लिए हो गया, और विंडो एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया। तो सही आंसर इसका बनेगा वर्ड प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 65, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नेम क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए .XLSX आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, इसका जो एक्सटेंशन नेम है एमएस एक्सेल का, और जो .DOCX है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का एक्सटेंशन नेम है, और .PPTX है ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 का एक्सटेंशन नेम है। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का, तो एक्सेल के लिए रहेगा .XLSX। क्वेश्चन नंबर 66,
निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सही रूप से प्रविष्ट है? तो इसका जो सही फॉर्मूला है वो बराबर सम A1 से लेके A10 तक, क्योंकि जो फॉर्मूला जो होता है वो बराबर सम के साथ ही चलता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो C और D में क्या डिफरेंस है, ये भी बराबर सम से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ये सेमी कोलन के निशान है ये डबल लगाए हुए हैं, जबकि जो सही फॉर्मेट होता है वो एक बार ही लगता है। तो इसका जो सही फॉर्मेट है वो बराबर सम A1 से लेके A10, ये टोटल के लिए फॉर्मूला होता है MS Excel 2010 में। क्वेश्चन नंबर 67, मेमोरी का वह भाग जो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होता है, जो डायनेमिक रैम। क्वेश्चन नंबर 68, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है? तो ये पेज लेआउट के टैब में होता है MS Word 2010 के सॉफ्टवेयर में। क्वेश्चन नंबर 69, एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? या इस क्वेश्चन को इससे पूछा जा सकता है भी MS Excel 2010 में एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में। क्वेश्चन नंबर 70, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए क्या कीबोर्ड शॉर्टकट बटन दबाया जा सकता है? यानी कि एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड से कौन सी शॉर्टकट की का आप उपयोग करोगे जिससे कि आपका चार्ट बन जाए? तो उसका सही आंसर है डी, यानी कि F11। तो दोस्तों ये थे 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर भी जरूर करना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के नए टॉपिक के साथ।